एक और वीडियो के साथ हाजिर है दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप में अभी एक मैच खेला गया जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश ने 3 रन से जीता मैच, लेकिन बांग्लादेश इसी तरह खेला तो आगे जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। इस तरह की 9 बॉल का तो उम्मीद नहीं था बांग्लादेश से, और बांग्लादेश की कप्तान मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। 4 बॉलर से आप विश्व कप खेलने आए, विश्व कप जीतने आए, आपके पास कम से कम 5 बॉलर होना चाहिए, एक्स्ट्रा 2 बॉलर होना चाहिए, ऑलराउंडर 2 होना चाहिए कि आप विश्व कप जीत सकते हैं। इस तरह विश्व कप नहीं जीत सकते आप। सोमाया सरकार आज फिर फॉलो हो गया। बांग्लादेश की प्रॉब्लम ये है कि ओपनर जोड़ी 30 रन से ऊपर जा ही नहीं पाता, 30 रन से ऊपर साझेदारी कर ही नहीं पाता। सेंटो इन्होंने अच्छा बैटिंग किया है, 55 बॉल पर 71 रन, 5 चौके 1 छक्के की मदद से बनाया। लिटन दास ने कुछ अच्छा खेला, शकीब ने 20 में 23, आफिफ अली 19 में 29। लगभग थोड़ा अच्छा बैटिंग किया, लेकिन आखिरी ओवर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। बांग्लादेशी बॉलर की बात करें तो तस्कीन अहमद ने 4 ओवर 19 रन, 3 विकेट, 1 मेडन ओवर भी डाला। मिलाकर पूरे सीरीज में तस्कीन अहमद अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा। तफीजुल ने भी आज 20 वर्ल्ड कप में पहला 2 विकेट लिया, इसके पहला कोई भी विकेट नहीं लिया। तो आखिर बात करते हैं उस 9 बॉल की जो विकेट कीपर ने दिया। आप आखिरी बॉल पर इस तरह बैटिंग करेंगे, अगर 1 रन होता तो मैच जीत जाता जिम्बाब्वे और बांग्लादेश हार जाता। अच्छा हुआ 5 बॉल था, 9 बॉल भी मिल गया। इस तरह आप विश्व कप नहीं खेल सकते, आपके खेल में बदलाव लाना होगा।